यह है आईकू का नियो 6। आज हम करेंगे इसका कैमरा टेस्ट। बैक कैमरे की बात करूं 64+8+2 अल्ट्रा वाइड और मैक्रो लेंस और मेन लेंस 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं सैंपल्स के थ्रू। ये सैंपल आप देख रहे हो अल्ट्रा वाइड के, 2-3 सैंपल मैंने लिए। कलर शिफ्टिंग अच्छी है, बहुत ज़्यादा ओवर सेचुरेशन नहीं करता, बहुत ज़्यादा डल भी नहीं करता है। कलर इसने अच्छे रिप्रोड्यूस किए, स्किन टोन भी अच्छी है अल्ट्रा वाइड में, और HDR रेंज भी काफ़ी सही से काम कर रही है। मेन लेंस से भी हमने कुछ फोटोज़ लिए तो वो भी आप देख सकते हो आगे। ये अल्ट्रा वाइड का ही शॉट है तो इसने शेडो वगैरह अच्छे से मेंटेन किए। ये मेन लेंस के फोटो है 64 मेगापिक्सल से लिए हुए, तो इसमें काफ़ी अच्छी डिटेल। ये वाला फोटो मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल इसने कैप्चर किए और इसका जो ऑटो फोकस है वो भी सही से काम कर रहा है। कलर रिप्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक नेचुरल की तरफ है। किसी किसी जगह जैसे ये वाला था तो ओवर कॉन्ट्रास्ट ही करा, लेकिन ओवरऑल ये वाला फोटो आप देखोगे बहुत अच्छा लिया है। जो कलर्स थे वो काफ़ी सही आ रहे थे, जैसे मैं देख पा रहा था रियल में वही के वही कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। काफ़ी सारे शॉट लिए मैंने पास से ताकि आपको पता चले कि जो डिटेल है, ऑटो फोकस है, वो कितना अच्छा है इसका। और ये वाला फोटो इसलिए लिया था कि जो कलर्स है ना आपको, जैसे फ्लावर पड़े हुए, इनके जो कलर्स ये प्रॉपर आपको दिख पाएंगे। ये मेन लेंस से फोटो है, मैंने जूम करने का भी कोशिश किया है तो ये 2x पे जूम किया है, और ये वाला जो फोटो आएगा ये 5x पे हमने लिया है, तो आपको क्लैरिटी पता चलेगी जूम के बाद तो कैसी क्लैरिटी आती है। तो जूम वगैरह करने पे अच्छी खासी क्लैरिटी है दे देता है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। यहाँ पर एक और जूम का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी 2x पे लिया हुआ है। इसके बाद सैंपल जो आएगा 5x का, तो जूम ओवरऑल ठीक ठाक है, इतनी इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ठीक है। मतलब कैमरा सेंट्रिक तो है नहीं, वैसे भी ये गेमिंग के लिए है। स्किन टोन भी अच्छे से मेंटेन करता है, नेचुरली रिप्रेजेंट करता है। ब्यूटिफिकेशन आप ऐड कर सकते हो, मैंने ब्यूटिफिकेशन करके ही लिए है फोटो, 2x 5x सारे सैंपल लिए ताकि स्किन टोन पे भी आपको पता चले। पोर्ट्रेट्स की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से आते हैं, काफ़ी सही इसका डायनेमिक रेंज है और जो कलर्स भी ये पोर्ट्रेट में प्रोड्यूस कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है। पीछे काफ़ी ज़्यादा धूप थी बट HDR रेंज के कारण इसने बहुत अच्छे से उसको मेंटेन किया है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो सब्जेक्ट्स ज़्यादा होने के बावजूद भी इसने अच्छे फोटोज़ लिए। सेल्फी में भी यहाँ पर अच्छा काम किया, 16 मेगापिक्सल के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन था वो काफ़ी सही इसने उसको करा है। और मेन लेंस से भी आप देखोगे ना सेल्फी के बहुत अच्छा, आगे हम पोर्ट्रेट्स की भी बात करेंगे, वो भी इसने अच्छे से मेंटेन किया, और HDR रेंज वगैरह भी इसकी सही है। धूप काफ़ी थी तो उस हिसाब से ही आप जज करना, थोड़ा सा वाइटनेस जो दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में वो बहुत ज़्यादा धूप थी इस कारण हो रहा है, लगभग 10-11 बजे का समय था ये। पोर्ट्रेट्स की अगर बात करें तो पोर्ट्रेट में देखो आप, यहाँ पर पूरा इसने वाइट कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप थी तो वो मेंटेन नहीं कर पाया। ये डायरेक्ट सनलाइट कैमरा लेंस पर आ रही थी उसके बावजूद ये वाला फोटो है ठीक ठाक है। नाइट शॉट की अगर बात करें तो नाइट में भी इसने सही काम किया, एक्चुअल में जो नॉर्मल फ़ोन्स आते हैं उनसे काफ़ी बेटर ये परफॉर्म कर रहा था नाइट में। लेकिन हाँ, जो बाइक वगैरह चलती है, कार वगैरह चलती है, उस पर थोड़ा सा ये ब्लर कर देता है तो मूविंग ऑब्जेक्ट पे उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो उसके बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, तो मूविंग ऑब्जेक्ट को नाइट में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर सकता। दिन में अच्छा करता है, OIS वगैरह है इसमें। वीडियोज़ की बात करें नाइट में अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता है ये, 4K 60 FPS पर आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, तो कोई फ्रेम ड्रॉप या जिटर वगैरह हमको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और जूम वगैरह करने के बाद भी अच्छी डिटेल इसने मेंटेन की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक और 4K 60 FPS दिन का हम देखें अगर, काफ़ी सही, कोई फ्रेम ड्रॉप, कोई लैग नहीं आ रहा है, स्मूथ चल रहा है वीडियो। जूम वगैरह करते हो आप तो अच्छी डिटेल ये कैप्चर कर लेता है। स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे, ऑटो फोकस अगर आप देखो अभी तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कोई जिटरिंग वगैरह नहीं मिल रहा अपने को, और HDR रेंज भी इसकी बहुत सही है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑटो फोकस चेक करके बताता हूँ, इसको टैप करना पड़ेगा जब आप वीडियोस बनाओगे तो उतना फास्ट ऑटो फोकस नहीं है इसका, थोड़ा सा टैप करना पड़ेगा। चल के देख लेते स्टेबिलिटी कैसी है, तो चलने के बाद भी अच्छे से ये मेंटेन कर रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ चलाऊँ मैं उसके बाद ये रिजल्ट है तो कोई भी यहाँ पर वीडियो स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेल्फी की बात करें 1080p 30 FPS, सेल्फी में कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है तो नॉर्मल ही यहाँ पर आप सेल्फी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो सेल्फी से ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन रखना भी मत। फोटोज़ वगैरह अच्छी आती है लेकिन वीडियोज़ में अगर आप रिकॉर्ड करते हो, कॉन्टेंट क्रिएटर हो, तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है सेल्फी का। बैक से आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। तो ये था इसका कैमरा टेस्ट, उम्मीद आपको पसंद आएगा। हमने काफ़ी सारे कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन किए। कोई और टॉपिक पे आप चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।